वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। आसमान में काले काले बादल उड़ते हुए बहुत देखे होंगे, क्या आप जानते हैं बादल कैसे बनते हैं? नहीं तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि नदियों, झीलों, तालाबों और सागरों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप में बदल जाता है। यह भाप बाष्प के रूप में हवा में मिल जाती है। यह बाष्प मिली गर्म हवा हल्की होकर ऊपर आसमान में चली जाती है। जब हवा से भरे वाष्प एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो वे धुएं जैसे दिखाई देते हैं, इसे ही बादल कहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।